मेरे लिए बिना घी की रोटी लाना। हर घर के डाइनिंग हॉल से आने वाली ये काम आवाज है, आपके घर से भी आती होगी। लेकिन मैं हमेशा घी की रोटी खाता हूँ, क्योंकि घी को मना करने का मतलब है सीधे सीधे सेहत को मना करना। पहले के जमाने में लोग रोजमर्रा के खानों में घी का इस्तेमाल करते थे। घी से मेरा मतलब है देसी घी से, खासतौर पर गाय के घी से। घी को अच्छा माना जाता था और कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां कहीं सुनने में भी नहीं आती थी। लेकिन फिर शुरू हुई घी की नेगेटिव पब्लिसिटी। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनीज ने अपने बेकार और यूजलेस रिफाइंड सोयल को सेल करने के लिए लोगों में घी के प्रति नेगेटिव पब्लिसिटी फैलानी शुरू की कि घी से मोटापा आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ती है, जबकि ये सरासर गलत है। और धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये बात घर कर गई कि घी खाना बहुत ही नुकसानदायक है। घी ना खाने में लोग प्राउड फील करने लगे कि वो हेल्थ कॉन्शियस है, जबकि घी खाना नुकसानदायक नहीं बल्कि बहुत ही फायदेमंद है। घी हजारों गुणों से भरा हुआ है और खास तौर पर गाय का घी तो खुद में ही अमृत है। घी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता नहीं बल्कि कम करता है। घी मोटापे को बढ़ाता नहीं बल्कि हमारे शरीर के खराब फैट को कम करता है। घी एंटीवायरल है और शरीर में होने वाले किसी भी इंफेक्शन को आने से रोकता है। घी का नियमित सेवन ब्रेन टॉनिक का काम करता है और खास तौर पर बढ़ते बच्चों की फिजिकल और मेंटली ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी है। ये जो उठते बैठते आपकी हड्डियों से चरमर की आवाज आती है, इसकी वजह आपकी हड्डियों में लुब्रिकेशन की कमी है। अगर आप घी का नियमित सेवन करते हैं तो ये आपके मसल्स को मजबूत करता है और आपकी हड्डियों को नरिश करता है। घी आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करता है। घी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखता है, जो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं कि घी को कितना और कैसे खाएं। एक नॉर्मल इंसान के लिए एक दिन में 4 टीस्पून घी काफी है। कैसे खाएं? घी को आप कुक्ड और अनकुक्ड दोनों ही तरीके से खा सकते हैं। चाहे तो आप इसमें खाना पका लें या फिर बाद में खाने के ऊपर से डाल के खा लें। दोनों ही तरीके से घी बहुत ही फायदेमंद है। और सबसे खास बात, अगर आप हमेशा ग्लोइंग, शाइनी और यंग स्किन चाहते हैं तो घी जरूर खाएं, क्योंकि घी एंटीऑक्सीडेंट है और यह आपकी स्किन को हमेशा चमकदार और सॉफ्ट रखता है। अपने नियर एंड डियर्स की अच्छी सेहत के लिए उनसे इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और जो लोग कहते हैं कि उन्हें बिना घी की रोटी चाहिए, उन्हें तो इस वीडियो में जरूर टैग करें। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल दीर्घायु भव को सब्सक्राइब करें। दीर्घायु भव।